तो यारो कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुशांत सिंह की टॉप 5 मूवीज़। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई रैंकिंग नहीं है। इसका ये मतलब ही नहीं कि लास्ट की मूवी ख़राब है और पहली मूवी अच्छी है। और जो भी मूवी मैंने देखा उसके बारे में भी बोल रहा हूँ। और ये पांचों मूवी मुझे बहुत ही पसंद लगी। और इनमें से मेरी एक पर्सनल फेवरेट मूवी है जो सुशांत सिंह की पहली मूवी भी है, काय पोचेरा, जिसमें राजकुमार राव भी उनके साथ नज़र आए हैं। और लिस्ट में दिखाई गई हर एक मूवी आपको नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो या यूट्यूब या गूगल पे देखने को मिल जाएगी अगर आपने नहीं देखा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उनकी मूवी MS धोनी, जो उनकी करियर की काफ़ी सक्सेसफुल मूवी रही है। और उस मूवी के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे सुशांत सिंह एग्जैक्ट धोनी की तरह ही एक्टिंग किए है। अगर सुशांत की जगह दूसरा कोई भी एक्टर होता तो इतने अच्छे से उस कैरेक्टर को नहीं निभा पाता। तो वो मूवी 2016 में रिलीज़ हुई थी और आपको यूट्यूब में फ्री में देखने को मिल जाएगी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी ज़्यादा हिट रही थी और इस मूवी ने टोटल 215 करोड़ कमाए थे। और इस मूवी के लिए सुशांत सिंह को बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला था। अगली मूवी है छिछोरे, जो 2019 में रिलीज़ हुई थी, जो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ड्रामा मूवी है मेरे हिसाब से। इसमें दो स्टोरी को दिखाया गया है कि जब स्टूडेंट होते हैं तो तब हमारी हरकतें कैसी होती है, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, बड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स होते हैं, तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी होती है। और इसमें दिखाया गया है कि कभी डिमोटिवेट ना होना चाहिए इवन जब हम हारे, क्योंकि हारने से हमें अच्छा खेल सीखने को मिलता है और लाइफ में सबसे बड़ा लेसन मिलता है। मूवी में सुशांत सिंह के साथ श्रद्धा कपूर भी दिखाई दिए। और ये मूवी बॉलीवुड पे काफ़ी सक्सेसफुल रही थी। मूवी ने टोटल 215 करोड़ कमाया था। सो आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। इस लिस्ट की अगली मूवी है काय पोचेरा, जो सुशांत सिंह की पहली मूवी थी और इस मूवी के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड भी मिला था। और ये मूवी 3 यंगस्टर पे दिखाया गया है कि कैसे वो अपने सपने पूरे करने के लिए कौन सी मुसीबत के उनको निकलना पड़ता है, जैसे कि रिलीजनल, पॉलिटिक्स और अर्थक्वेक, या वो अपने सपने पूरे कर पाते हैं नहीं, इसी के ऊपर पूरी मूवी बेस है। की स्टोरी काफ़ी अच्छी है जो कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ से भी कनेक्ट कर पाती है। और मूवी का स्क्रीन प्ले और एक्टिंग काफ़ी कमाल की है। इस लिस्ट की अगली मूवी है राब्ता, जो 2017 में रिलीज़ हुई थी और सुशांत सिंह के साथ कृति सजन ने भी इस मूवी में दिखाई देती है। ये मूवी दो स्टोरी में डिवाइडेड है, जो एक प्रेजेंट में चलती है और एक पास्ट में चलती रहती है। पास्ट में जहाँ पे दो प्रेमी बिछड़ जाते हैं और वही प्रेमी रिबर्थ होकर प्रेजेंट में मिलते हैं। मूवी देखने पे आपको पता चलेगा कि क्या वो इस जन्म में दोबारा मिल पाते हैं नहीं, उसी के ऊपर डिपेंड है। मूवी का सिमिलर टू मगधीरा जैसी है, लेकिन उससे कहीं गुना डिफरेंट है। सो आपको मूवी पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वो में क्या क्या होगा। इस मूवी में जो सुशांत सिंह ने फास्ट का एक्टिंग जो किया है ना, जो तरह का वॉइस निकाला है, जो उनका मेकअप है या जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, मूवी काफ़ी अच्छी है मेरे हिसाब से। आपको भी ज़रूर देखना चाहिए। इस लिस्ट की सबसे लास्ट मूवी है संचेरिया, जिस मूवी को फिल्म फेयर बेस्ट मूवी क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला था। और ये मूवी 2019 में रिलीज़ हुई थी और इस मूवी को बेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड मिला था। आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा कि मूवी रियली अवार्ड डिजर्व करती है, क्योंकि मूवी में जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन दिखाया गया है या एक्ट्रेस को दिखाया गया है, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये कोई बॉलीवुड का एक्टर है। एक रियलिटी चल रही है बस, और कैमरे में इसको शूट कर लिया गया है, इस तरह कुछ दिखाया गया है। मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, जहाँ पे जो एक गैंगस्टर होती है उनका जो लीडर मर जाता है, तो जब एक गैंग दो में डिवाइड हो जाती है और उनके पीछे पुलिस पड़ी रहती है, तो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा कि कौन सर्वाइव करेगा और कौन नहीं कर पाता है। सो अगर आप मूवी को नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। और दैट्स इट गाइस, ये मेरी कुछ फेवरेट मूवी थी और इनमें से भी मेरी एक फेवरेट मूवी थी जो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ। अगर आपको इस मूवी से या इस मूवी लिस्ट से कुछ ऑफेंड होता है तो प्लीज़ मुझे फॉरगिव कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि हर लोगों का एक डिफरेंट ओपिनियन होता है। और इसी तरह आपको और भी वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा, जो फ्यूचर में मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बी सेफ़।